हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे MFN यानी कि मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, और इंडिया ने पाकिस्तान से जो रिसेंटली MFN स्टेटस विड्रॉ किया, उससे इंडिया और पाकिस्तान के ट्रेड रिलेशंस में क्या असर पड़ेगा। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, बात करें अगर इसके मतलब की, MFN एक स्टेटस होता है जो WTO का एक मेंबर कंट्री दूसरे मेंबर कंट्री को देता है। इस स्टेटस के अंतर्गत रेसिपिएंट कंट्रीज़ को कई कंसेशंस और प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। इस स्टेटस के अंतर्गत टैरिफ्स एंड इंपोर्ट कोटा में कंट्री को छूट दी जाती है, यानी कि उसे इन दो चीज़ों में वेवर मिल जाता है। दोस्तों, MFN स्टेटस क्या होता है, इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखिए कि पाकिस्तान के अलावा इंडिया ने वियतनाम को और बांग्लादेश दोनों को ही MFN स्टेटस दिया हुआ है। अब मान लीजिए कि मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ और मेरी इंडिया में फैक्ट्री है। मुझे फैक्ट्री में जो भी सामान मैं बनाता हूँ उसके लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, और ये रॉ मटेरियल इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं। जस्ट एज एन एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, मुझे ये रॉ मटेरियल बाहर से इम्पोर्ट कराने की ज़रूरत है, और बांग्लादेश एक कंट्री है जो ये रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता है और मैन्युफैक्चर करता है। अब क्योंकि बांग्लादेश को MFN स्टेटस दिया हुआ है, तो अगर मैं बांग्लादेश से इसे इंपोर्ट करता हूँ तो मुझे काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि मुझे इतना इंपोर्ट ड्यूटी नहीं चुकाना पड़ेगा। ये रॉ मटेरियल मुझे काफ़ी सस्ते मिल जाएंगे, क्योंकि इन पर टैरिफ्स और इंपोर्ट ड्यूटी बिल्कुल होगा ही नहीं, या तो बहुत ही कम होगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इंडिया ने जो रिसेंटली पाकिस्तान से MFN स्टेटस विड्रॉ किया, उससे इंडिया और पाकिस्तान के ट्रेड रिलेशंस पे क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स है $20 बिलियन, और इसमें से इंडिया को जो एक्सपोर्ट करता है उसकी वैल्यू है $488.5 मिलियन। दोस्तों, MFN स्टेटस विड्रॉ करने से पाकिस्तान को जो कंसेशंस मिल रहे थे इंपोर्ट ड्यूटीज़ में या टैरिफ्स में, वो हटा दिए गए हैं। और अगर आपने रिसेंट हेडलाइंस देखे हो तो आपको पता होगा कि इंडिया ने पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स पे 200% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है, जिसका मतलब ये हुआ कि अब पाकिस्तान के लिए इंडिया को कुछ भी एक्सपोर्ट कर पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इतना ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगने के बाद पाकिस्तान से आने वाले सारे प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हो जाएंगे और इंडिया में कोई भी इन प्रोडक्ट्स को लेना नहीं चाहेगा। अगर बात करें इंडिया के फ़ायदे या नुकसान की, दोस्तों पाकिस्तान के साथ ट्रेड बिगाड़ने में इंडिया को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, वो तकरीबन $300 बिलियन से भी ज़्यादा हैं, और पाकिस्तान को जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो तो इसका बहुत छोटा परसेंटेज है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें, जिसके टोटल एक्सपोर्ट्स ही $20 बिलियन हैं, और उसमें से इंडिया को किए जाने वाले एक्सपोर्ट अराउंड $500 मिलियन हैं, तो पाकिस्तान को इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो इसके साथ ही ये वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। अगर आपके कुछ सुझाव हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।